नमस्कार, स्वागत है आपका सीटीडी न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने यूपी में कोविड 19 की स्थिति और कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कोविड 19 की रोकथाम के लिए आईसीयू विस्तरों की उपलब्धता के साथ साथ ऑक्सीजन की अनवरत आपूर्ति और व्यापक जांच की रणनीति पर काम किया जा रहा है। प्रवक्ता के अनुसार प्रधानमंत्री ने प्रदेश में निजी प्रयोगशालाओं द्वारा आरटीपीसीआर जांच किए जाने के बारे में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त की। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि देश प्रदेश में 14 निजी प्रयोगशालाएं और 125 सार्वजनिक क्षेत्र की प्रयोगशालाएं कोविड जांच कार्य में संलग्न है। इस संदर्भ में अब तक कुल 3,84,00,000 से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। गत 18 अप्रैल को निजी प्रयोगशालाओं द्वारा लगभग 19,000 से अधिक आरटीपीसीआर जांच किए गए हैं। प्रवक्ता के मुताबिक योगी ने प्रधानमंत्री को ये जानकारी भी दी कि राज्य सरकार ने राज्य के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने जनपद में निजी प्रयोगशालाओं की आरटीपीसीआर जांच क्षमता बढ़ाने का प्रयास करें, साथ ही इस क्षमता वृद्धि का पूरा उपयोग भी करें। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि अगर निजी प्रयोगशालाओं के पास आरटीपीसीआर जांच के लिए पर्याप्त संख्या में नमूने उपलब्ध नहीं हैं, तो जिला प्रशासन सरकारी संस्थाओं द्वारा नमूने आरटीपीसीआर जांच के लिए निजी प्रयोगशालाओं को भेजे। इसके लिए 5 रुपये प्रति नमूने की दर से निजी प्रयोगशालाओं को भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को ये भी बताया कि कुछ स्वार्थी तत्व ये अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि निजी प्रयोगशालाएं कोविड जांच नहीं कर रही, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। प्रदेश में अब तक लगभग 17,00,000 कोविड जांच निजी प्रयोगशालाओं द्वारा की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ प्रदेश सरकार कार्रवाई भी करेगी। देश दुनिया की ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सीटीडी न्यूज़, और साथ ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।